हरियाणा के चुनावी चौसठ से पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर लूट और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी ने सवाल दागा कि आखिर एक ही शख्स को देश के सारे ठेके क्यों मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से देश के छोटे कारोबारी तबाह हो गए हैं, लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में, हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। एयरपोर्ट में जाते अदानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली से राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के काले धब्बे दिखाए, तो हरियाणा के सोनीपत से पीएम मोदी ने दलालों और दामादों का जुमला सुनाया। इल्जाम ये कि जब सूबे में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सत्ता में बैठे लोग जमीन लूट रहे थे, लेकिन राहुल ने भी पूछ ही लिया आखिर केंद्र सरकार किसके फायदे के लिए काम कर रही, नोटबंदी और जीएसटी ने किसको फायदा पहुंचाया, और जिन छोटे कारोबारियों का सब कुछ स्वाहा हो गया उसका कसूरवार कौन है। याद कीजिए 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था, हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है, जीएसटी एक हथियार है, जम्मू के एंटरप्रेनर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है, नोटबंदी एक हथियार था, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं, और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। सोनीपत की रैली से पीएम मोदी ने अपनी 10 साल की उपलब्धियां गिनाई, दावा ये कि भारत के रफ्तार की गति दुनिया में सबसे तेज है, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि मेक इन इंडिया के सारे ठेके एक ही शख्स को कैसे मिल रहे हैं, क्या सिर्फ एक धन्ना सेठ की जेब भरने से पूरा भारत खुशहाल हो सकता है। 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इसराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, इसराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया, इसराइली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। सोनीपत की रैली से पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार की भी पीठ थपथपाई, दावा यह कि राज्य सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा, लेकिन राहुल ने पूछा कि जब चंद लोगों का 16 लाख रुपए कर्ज माफ कर दिया तो किसानों और आम जनता की कर्ज माफी क्यों नहीं। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है, जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं
सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा, उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं। कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, तो वहीं हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं के तूफानी दौरे भी तेज हो गए। बीजेपी का दावा है कि जनता दोनों राज्यों में डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना चुकी है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि अब जनता बीजेपी का नाम भी सुनना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।